और भाई पटाखे फोड़ रहे, फोड़ो 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 फोड़ो। मैं तो बाहर में फोड़ूंगा भाई, मैं तुम सबके पहले फोड़वा लेता हूँ। मेरे को मनोरंजन चाहिए जिंदगी में भाई। भाई मैं सबके पटाखे फोड़ता हूँ, सबसे पहले तुम लोगे खत्म कर लूंगा, उसके बाद अपने पटाखे फोड़ूंगा आराम से। अभी मैं अंकित के यहाँ उसके पूरे पटाखे खत्म करके आ गया हूँ, पर उसके बाद मैं गया प्रतीक के यहाँ, उसके पटाखे पूरे थैला भर के थे, 5 किलो 5-10 किलो पटाखे लाया था वो, पूरे पटाखे जला दिए मैंने जल्दी जल्दी करके। मैंने कहा मेरे को घर जाना है करने, उसके बाद मैं तेरे घर में आ गया। अच्छा मनोरंजन चलते रहना चाहिए भाई कंटिन्यूअसली। कुछ लोग कहते मैं हरामी हूं, नहीं तो अब मैं तेरे घर के पूरे पटाखे खत्म कर दूंगा, उसके बाद जाऊंगा महेंद्र के घर में, उसके भी 2-4 पटाखे हैं वो भी फोड़ दूंगा, पूरे खत्म कर दूंगा। 12-1 बज जाएंगे, फिर मैं फोड़ूंगा अपने पटाखे, पूरे नहीं फोड़ूंगा अपने पटाखे भी, आधे फोड़ूंगा, आधे एकादशी के लिए बचा लूंगा। मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं भाई मैं कंजूस पैदा हुआ था वे, मेरे को समझ रहा तू? खैर कंजूसी अभी सबको चाहिए वे, पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन समझ रहा तू? एयर पॉल्यूशन, नाइस पॉल्यूशन और बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, जो मेरे को पता भी नहीं है कौन कौन, लेकिन बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है भाई, तू समझ। देख भाई मेरी बात सुन, मैं सीधे सीधे चलता जाता हूँ, रास्ते में कोई भी चीज आ जाती है ना मैं रख लेता हूँ, क्योंकि मेरा मन करता है भाई रखने का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम चोरी करते हो भाई। अच्छा वो पबजी बैन हो गया, उस बहाने में बाहर भी निकला, नहीं तो भाई मैं अंदर पड़ा रहता और एनिमीज हेड करता रहता भाई। और इतना वो क्या चिल्लाती है, किलिंग इज फ्री फॉर द ब्लू टीम, तो क्या रेड टीम को क्या पैसे लग रहे हैं क्या किल करने के? क्या लॉजिक है भाई इस बात का? किलिंग भाई वो स्ट्रीक है। स्ट्रीक फॉर द ब्लू टीम, फिर हाँ सॉरी नहीं है वो। तो और घटिया। मेरे को जो चीज समझ में नहीं आती वो घटिया होती है। ठीक है मैं तो आया हूँ पटाखे फोड़ने इधर भाई, मेरे को पटाखे फोड़ने हैं, मैं बचा के रखता हूँ। मैं पटाखे पिछली बार मैंने बचाए, मैंने 2-1 महीने तक बचा लिए, फिर वो देखे मैंने तो फोसे निकले, दिमाग खराब हो गया भाई मेरा यार। फिर मैंने सोचा बचाने का मकसद क्या था वे पटाखे। भाई सबको अच्छे अच्छे आइडिया देने का मेरा काम रहता है, जैसे कोई भी घिसी पिटी तरीके से फोड़ रहा है मैं मना कर देता हूँ, मैंने कहा भाई ऐसे मत फोड़ो, इससे अच्छा मत फोड़ो, इससे पटाखे फोड़ो ना तो अतरंगी तरीके से फोड़ो। भाई मेरे चाचा ने फोड़ा था सुतली बम, मजाक नहीं कर रहा, चाचा ने सुतली बम फोड़ा था अपने हाथ में रख के, 5 सेकंड के अंदर भड़ा हुआ था हाथ उनका। किसी पीटी चीजों से पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए भाई, जैसे रॉकेट है, रॉकेट सीधा उड़ा रहा है, पागल हो गया बे? रॉकेट को हॉरिजॉन्टली रखो और फिर आग लगा दो, रास्ते में कोई भी जा रहा होगा जब तक उसकी जांग में नहीं घुसेगा तब तक मजा कैसे आएगा भाई। भाई मैं सबको अच्छे अच्छे आइडिया बताता हूँ मैं फोड़ने के। तूने वो वर्मा जी की दीवार देखी पूरी छपी है, किसने छपाई वो? अरे आइडिया दिया था मैंने, बुलेट बम को वो जमीन पे रख के फोड़ रहा था, मैंने कहा भाई ऐसे क्या मजा आएगा, गोबर के ढेर में रख के आग लगा दे तो जब फचाक होता है तो फिर मजा ही आ जाता। दिवाली में पुताई कर रहे लोग क्यों कर रहे हैं पुताई? ताकि गोबर छपे उनमें, सफाई वफाई करने का ऐसा मकसद नहीं होता किसी का, सब लोगों को गंदी करवानी है अपनी दीवारें। जब मैं अंकित तो प्रतीक ये सब मिलके जब पटाखे फोड़ते हैं ना भाई, तो गली में से कोई आगे पीछे जा नहीं पाता है, अंकल लोग बेचारे भोले से होने वजह वजह के पूछते हैं निकल जाए निकल जाए निकल जाए, हमने कहा रुक जाओ फूटने वाला, और तब तक हम लोग आग नहीं जलाते, जैसे ही वो निकलते हैं वैसे ही आग जला के धर देते, तो पट पटाख हो जाता है। फिर उसके बाद चाटे वाटे भी मार देते हैं अंकल हम लोगों को, पर मजा आता है भाई ये सब करने में, क्योंकि देख साल में एक बार दिवाली आती है, कुछ करतूत नहीं करो, हाथ वाथ मत फुड़वाओ, गंदगी नहीं करो, गोबर से दीवारें नहीं छुपाओ, तो क्या मतलब होगा भाई दिवाली का।